जी हाँ दोस्तों, अब जो आर्यन खान का केस है ये और भी पेचीदा होता जा रहा है और आर्यन खान को कल फिर बेल नहीं मिली है और 20 तारीख तक अब उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा। अभी तक आर्यन खान क्वारंटीन सेल में थे लेकिन अब वो प्रॉपर नॉर्मल जेल में आ चुके हैं जहाँ पे उन्हें कैदियों की तरह एक नंबर दिया जाएगा और वे बाकी 500 कैदियों के साथ वहीं समय बिताने वाले हैं। अब दोस्तों बड़ी बात जो सामने निकल कर आ रही है इस केस में वो ये कि हमारे देश में हमने पहले भी देखा है कि ड्रग्स को लेकर तमाम गिरफ्तारियां होती रही हैं लेकिन आर्यन जो शाहरुख खान के बेटे हैं उन्हें 18 दिनों के लिए जेल में रखा गया है जबकि ना ही उनके पास से कोई नशीला पदार्थ बरामद हुआ, ना वो कुछ कंज्यूम कर रहे थे जब वो पकड़े गए और ना ही उनके खून में इस तरह का कोई मिलावट दिखा है। तो जब ये कुछ हुआ ही नहीं है तो इन सारी चीज़ों के बावजूद एनसीबी किस तत्व पर इतनी छानबीन कर रही है। एनसीबी का कहना है कि आर्यन किसी इंटरनेशनल रैकेट से जुड़ा हुआ था, इसका उन्हें अंदाज़ा पूरी तरह से नहीं है, शक है। अब शक के आधार पर क्या इतनी बड़ी सज़ा देना एक 21 22 23 साल के बच्चे को सही है? क्या आप शक के बेस पर इतनी बड़ी बात कह सकते हो और उसका मीडिया ट्रायल कराकर उसे बदनाम कर सकते हो? यही कुछ बात मशहूर नेता शरद पवार करते भी दिखे। शरद पवार ने सीधा वार एनसीबी पर किया और कहा कि एनसीबी अपनी ताकतों का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है और कहीं ना कहीं वो अपनी ताकतों को मिसयूज़ कर रही है। एनसीबी का सीधा सीधा ये कहना है कि माफ़ कीजिएगा, शरद पवार का सीधा सीधा ये कहना है कि एनसीबी जो बड़े बड़े कांड हो रहे हैं इस देश में ड्रग्स को लेकर, कहीं 3000 किलो की पूरा करोड़ों का सामान पकड़ा जा रहा है जो नशीले पदार्थ हैं, कहीं बड़े बड़े इंटरनेशनल पोर्ट्स में आपको जो सामान है वो हमारे समुंदर के रास्ते देश में आ रहा है लेकिन वहाँ पे कोई गिरफ्तारी नहीं होती, वो तो चर्चा भी नहीं होती, लेकिन जहाँ 10 ग्राम का कोई नशीला पदार्थ मिला है तो वहाँ इतना बड़ा केस बनाया गया है। तो कई लोगों का ये कहना है कि एनसीबी अपनी ताकतों का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है, एनसीबी को सिर्फ पब्लिसिटी चाहिए होती है और इसीलिए वो इस तरह के केस पकड़ती है जहां पे उन्हें पब्लिसिटी मिल सके, उनकी बातचीत हो सके। और यही बात अब शरद पवार भी करते दिख रहे हैं। शरद पवार आर्यन के सपोर्ट में कह रहे हैं कि एनसीबी जो कर रही है वो सही नहीं है। नेक्स्ट टाइम लाइफ की रिपोर्ट।